हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट में सीमेंट, सेंड और एग्रीगेट का क्वांटिटी निकालना सीखेंगे। M20 में M जो है वह मिक्स को रिप्रेजेंट करता है और 20 जो है वह 28 डे में कंक्रीट के कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, जो कि M20 के लिए जो होता है वह 20 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होता है। M20 का जो रेशियो होता है वह 1:1.5:3 होता है, जिसमें 1 जो होता है वह सीमेंट का रेशियो होता है, 1.5 जो होता है वह सेंड का होता है, और 3 जो होता है वह कोर्स एग्रीगेट का होता है। अब जो है हम 1 क्यूबिक मीटर मटेरियल में जो है सीमेंट, सेंड और एग्रीगेट का जो है अमाउंट निकालना सीखते हैं। तो हम जानते हैं कि ड्राई वॉल्यूम जो होता है वह कंक्रीट के वेट वॉल्यूम का 1.54 से लेकर 1.57 टाइम्स होता है। तो अब जो है हम सम ऑफ द रेशियो फॉर M20 जो होगा यहाँ पे वह हो जाएगा 1 + 1.5 + 3, जो कि 1, ये तीनों को ऐड करने के बाद आता है 5.5। यह हो गया सम ऑफ रेशियो फॉर M20। अब जो है हम जो 1 क्यूबिक मीटर मटेरियल माने हैं उसको जो है उसका ड्राई वॉल्यूम हो जाएगा 1 × 1.57। यहाँ पे जो है हम 1.57 लिए हैं, चूँकि ड्राई वॉल्यूम जो होता है वह वेट वॉल्यूम का जो है 1.54 से लेकर 1.57 टाइम्स होता है। आप जो है 1.54 भी मान सकते हैं, हम जो है यहाँ पे 1.57 माने हैं। तो 1 क्यूबिक मीटर में हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ 1 क्यूबिक मीटर का जो ड्राई वॉल्यूम होगा वह हो जाएगा 1.57 m³। अब जो है हम सीमेंट का वॉल्यूम निकालते हैं, तो सीमेंट का जो वॉल्यूम होगा वह हो जाएगा सीमेंट का जो पोर्शन है 1 / सम ऑफ रेशियो, जो कि आया है यहाँ पे 5.5 × 1.57। 1.57 जो है यह मटेरियल का जो है ड्राई वॉल्यूम है। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो आता है सीमेंट का वॉल्यूम वह निकल के आता है 0.2854 m³। ये मीटर क्यू में आया है। अगर इसको हम केजी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको जो है हमको 1440 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि सीमेंट का डेंसिटी जो होता है वह 1440 kg/m³ होता है। तो जब हम 0.2854 × 1440 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये निकल कर आता है 411.05 kg। ये आ गया kg में। अगर हमको जो है इसी को जो है बैग्स में निकालना है तो नंबर ऑफ सीमेंट बैग कितना हो जाएगा, क्योंकि एक बैग में जो होता है 50 kg होता है। तो 411.05 को अगर 50 से हम डिवाइड करते हैं तो ये आता है 8.221 बैग्स। अप्रॉक्सीमेट जो है हम इसको 8 बैग्स मान सकते हैं। यह आ गया सीमेंट का क्वांटिटी 1 m³ मटेरियल में। अब जो है वॉल्यूम ऑफ सेंड हम निकालते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सेंड में जो है सेंड का पोर्शन कितना था, तो 1.5 था, और सम ऑफ रेशियो कितना आया था, तो 5.5 आया था। तो 1.5 / 5.5 × 1.57, जो कि 1 क्यूबिक मटेरियल का ड्राई वॉल्यूम है। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद आता है 0.4282 m³। ये जो है सेंड का वॉल्यूम निकल गया। सेम टाइप से जो है हम एग्रीगेट का वॉल्यूम निकाल लेंगे, तो एग्रीगेट का वॉल्यूम जो होगा वह हो जाएगा एग्रीगेट का पोर्शन बाय सम ऑफ रेशियो इंटू 1.57। तो एग्रीगेट का रेशियो यहाँ पर है 3 / 5.5 × 1.57। तो ये जो है एग्रीगेट, इसको कैलकुलेट करने के बाद आ जाता है 0.8564, इतना मीटर क्यू आ गया एग्रीगेट का वॉल्यूम। तो 1 m³ में जो है
सीमेंट सेंट और एग्रीगेट का वॉल्यूम यहाँ पे आपने निकालना सीखा। सेम टाइप से जो है हम जितना भी नॉमिनल मिक्स कंक्रीट है जैसे M1.5 से लेकर M25 तक सबका हम जो है जो सीमेंट सेंट एग्रीगेट का क्वांटिटी होगा उसको निकाल सकते हैं सेम प्रोसेस से। सिर्फ जो है आपको जो हर एक ग्रेड ऑफ कंक्रीट का जो रेशियो है उसको ध्यान में रखना है। जैसे M15 का निकालना है तो M15 का हो जाएगा 1:2:3। अगर M25 का निकालना है तो 1:1:2 हो जाएगा। तो इसी के आधार पे जो है हम अदर नॉमिनल ग्रेड ऑफ कंक्रीट का निकाल सकते हैं, उसमें सीमेंट सेंट और एग्रीगेट का क्वांटिटी।